चुनावी माहौल में इस वक्त सभी पार्टी के नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन बीते दिनों तब बवाल मच गया जब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग की गई। हमला करने वाले दो लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन मामले पर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। हमले के बाद सांसद ने भी इसे साजिश बताया, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गुरुवार शाम AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला करने वाले दोनों लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमलावरों ने चार राउंड फायरिंग की। दो बुलेट लगने से ओवैसी की कार के निचले हिस्से में छेद हो गया। ओवैसी सुरक्षित है। देर शाम ओवैसी ने कहा कि यह सुनियोजित साजिश है और घटना की जाँच होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग चार चार राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरुवार शाम को घटना के बाद हमलावर मौके पर हथियार छोड़कर फरार हो गए थे। एक बंदूक पे कलावा बंधा था। एक हमलावर को घटना के थोड़ी देर बाद पुलिस ने पकड़ लिया था। उसका नाम सचिन है। वो ग्रेटर नोएडा स्थित पूर्व CM मायावती के गांव बादलपुर का रहने वाला है। देर शाम फरार दूसरे आरोपी शुभम को भी पुलिस ने गाजियाबाद जिले के सिहानी गेट थाना इलाके से अरेस्ट कर लिया है। कुछ पोस्टर में भाजपा नेताओं के साथ उसकी फोटो भी दिख रही है। फेसबुक प्रोफाइल में उसने खुद को देशभक्त सचिन हिंदू बताया है। वही एक फोटो में वह हरा कुर्ता पहने गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के साथ भी दिख रहा है। बता दें ओवैसी गुरुवार शाम मेरठ जिले के किठौर क्षेत्र में एक सभा करने के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जा रहे थे। हापुड़ के पिलखुआ एरिया में नेशनल हाईवे पर छिजारसी टोल प्लाजा से गुजरने के बाद दोनों युवकों ने ओवैसी के काफिले पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। इसमें दो गोली ओवैसी की गाड़ी के निचले हिस्से पर लगी। इसमें उनकी कार में छेद हो गया। फायरिंग से टोल प्लाजा के पास अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर गाजियाबाद और हापुड़ जिले की पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में ADG प्रशांत कुमार से लेकर मेरठ के IG मौके पर मौजूद रहे। घटना की वजह क्या रही इस पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। ADG ने कहा इस बारे में पूछताछ की जा रही है। हालांकि कुछ पुलिस सूत्रों ने बताया कि ओवैसी के बयानों से नाराज होकर आरोपी ने ओवैसी पर फायरिंग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओवैसी ने हापुड़ जिले के एडिशनल SP से फोन पर बात की। ASP ने एक युवक के पकड़े जाने और हथियार बरामद होने की पुष्टि ओवैसी से फोन पर की है। वही कुछ सूत्रों ने बताया कि हमलावर युवक खुद वारदात के बाद छिजारसी पुलिस चौकी पहुंचा। हालांकि उसने हमला क्यों किया इस बारे में अभी पुलिस ने कुछ नहीं बताया है। घटना के बाद ओवैसी ने ट्वीट भी किया था, कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, चार राउंड फायर हुए, तीन चार लोग थे, सब के सब भाग गए और हथियार वही छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फायरिंग हुई है IG साहब, और क्या चोट किसी को आई है? आरोपी का क्या नाम है? किसी को कोई चोट नहीं आई है, किसी को कोई इंजरी नहीं है। फायरिंग की बात समझ में आ रही है उसके द्वारा, लेकिन अब जो CCTV फुटेज में लग रहा है कि वेपन के साथ में एक आदमी है जिसको किसी लोगों ने हिरासत में भी लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्दी घटना का पूरी तरह से इसका अनावरण करें। ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज मुकद्दर में मौत नहीं थी, इसीलिए जिंदा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बुजदिलाना हमले से डरने वाले नहीं हैं। साथ ही चुनाव आयोग से इस हमले की स्वतंत्र जांच करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार की जिम्मेदारी है कि इसकी जांच कराएं। इस मामले पर मैं लोकसभा स्पीकर से भी मिलूंगा। फिलहाल देखना होगा कि ये मामला अब कौन सा तूल पकड़ता है, और देखना ये भी होगा कि इस मामले में आरोपी कौन सी साजिश का खुलासा करते हैं।